Hey guys, what's up and welcome back to episode 32 of Neo 2. So episode 31 में हमने नया मिशन चालू किया था जो कि है फिफ्थ रीजन का फर्स्ट मिशन जिसका नाम है रूइन ड्रॉस नियर। तो ये मिशन में नियो 2 का सबसे टफेस्ट बॉस फाइट होने वाला है जो कि मतलब ज़्यादातर प्लेयर्स बोलते हैं सबसे टफ है। उसका नाम है शिबाता कात्सुई, बॉस का नाम है, एंड आज के एपिसोड में हम वही करने वाले हैं। तो अभी तक हम बॉस फाइट तक पहुँचे नहीं है, एक डार्क रेल में आगे, उसके बाद पता नहीं थोड़ा बहुत और होगा एंड हम फाइनली बॉस तक पहुँचेंगे। स्टोरी के बारे में बात किया जाए तो बेसिकली शिबाता कात्सुई एंड उसकी वाइफ ये कैसल के अंदर है एंड तो इसी रो ने यहाँ पे हमला कर दिया, तो हमें उन्हें बचाने का ट्राई करना है। बाकी अगर आप स्टोरी और डीप में जाना चाहते हैं थोड़ी सी तो लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया कि स्टोरी अभी चल के रही है, ये पर्टिकुलर मिशन की स्टोरी क्या चल रही है। あと一つ大きな気配が気をつけるのじゃぞ。ओके, थोड़े बहुत एनिमीज मारते, बहुत सारे भरे भरे दिख रहे। तो ये होस्ट कौन है अब यहाँ का? ये बना नहीं, व्हील बंग नहीं है, कोई डीमन होगा जो डार्क रेल बना रहा है, मेनली उसे ही देख के खत्म करना है कि कौन सा है। ओह, नीचे गिर गया ये तो। लेवल 104, इसको समन कर लेते हैं, डार्क रेल क्लियर करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएंगी। और टोटो स्पिरिट यूज कर रहा है। ओके, ये तो गया, और कौन है? उसको लड़ने देते, समन किया, लड़ भाई। बढ़िया, लूट पड़ी है, कुछ उठा लेते जाके। एक कुड़ामा भी दिख रहा है, आई थिंक उस तरफ जा नहीं सकते हम, मे बी ऊपर से, या ऊपर से जाना पड़ेगा। बच गए, नूरे काबे। इससे डार्क रेल में लड़ना ठीक नहीं होगा, पहले डार्क रेल क्लीन करते फिर लड़ते इससे। ओके, अभी तक कोस्ट ये रहा, इपोन डटा रहा। अरे यार, ये थोड़े से टफ होते हैं, हील कर लेते हैं एंड ये नहीं, तू निकल यहाँ से, तू नहीं चाहिए इस पे, नीचे वाले पे एम जा भी नहीं रहा। इसको अपनी तरफ खींचते, Yeah.
मरने वाले हो। ओ भाई ये ले गया। अश बढ़िया, डार्क रन क्लियर हो गया। बेल गिराते हैं। अच्छा नहीं, इसको हैवी अटैक मारना पड़ेगा। नाइस, चाके ये भी क्लियर करते। क्रश टू डेथ फॉर इज हॉस्टाइल बिहेवियर। अच्छा तो हमें या तो न्यूट्रल या फिर फ्रेंडली कर। ओह नाइस, एक ही बार में हो गया। हाँ एक कुड़ामा भी है। तो जो वॉल्ड इवेंट्स होते हैं उनके सामने कोई गेस्चर करना पड़ता है, क्योंकि पास में ग्रेव पड़ा हुआ था, हम वो ग्रेव पे चेक कर सकते हैं कैसे मरा है। तो लिखा हुआ है क्रश टू डेथ फॉर इज हॉस्टाइल बिहेवियर, यानी कि हमें या तो फ्रेंडली या फिर न्यूट्रल बिहेवियर करना है। ये क्यों घूम रहा है भटक के अथवा? अच्छा ये वही स्केल्टन है जिसे हमने गोली मार के नीचे गिराया था। यहाँ पे एक और स्केल्टन दिख रहा है। ओए, तू मार क्यों रहा है मुझे? इसको कुछ ड्रॉप देते, गुस्सा हो गया ये। लेवल 98, लेवल 102, ये ले ले, कुछ अच्छा सा दे मुझे। यूज नहीं करता हूँ मैं, कुछ सारी गमा बट रख लेते। जाना किधर है अब? ये कुड़ामा। अच्छा ये हमें पिछले एपिसोड के स्टार्ट में दिखा था, दरवाजे टूटे दरवाजे के पीछे वही है। और एक कुड़ामा था जो मुझे दिखा था, उसके लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा भाई से। हमने अभी देर स्पॉट किया था किधर, इधर ऊपर की तरफ, इधर कहीं पे है वो। ऊपर चढ़ने का ये टूटे हुए खंभे से चढ़ सकते हैं मे बी। हाँ बढ़िया। ओ ये क्या, इधर एक घंटा है, इसको पहले मारते, हील कर लेते। आई थिंक इसे हम गिरा से आइए। शॉर्टकट खुल गया बेसिकली हमारा, एकदम बढ़िया वाला। मुझे जहाँ तक मुझे याद है हमारा श्राइन उस तरफ है। या इधर हमारा श्राइन है एंड यहाँ से आगे बढ़ना है। जाने से पहले ये बेल गिरा देते हैं, हमारा कुड़ामा भी लेते हैं। आग लग गई मुझ पे, इधर होना चाहिए। हाँ ये रहा। ओके नाइस, अब आप कहाँ जाना है? वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा आई थिंक पूरा। या ओके, मुझे लग रहा है ये एरिया हमें पूरा एक्सप्लोर कर लिया, कुछ बचा नहीं है। एनिमीज हो सकते हैं इधर कोने में, कोई नहीं है। ओके वी आर नियर द बॉस फाइट। बढ़िया, ऐसे डेकोरेटिव दरवाजे देख के समझ जाते हैं कि हम बॉस फाइट के पास आ गए। तो प्रोबेबली मैं जाके सामान वामान भर लेता हूँ, हील वील ले लेता हूँ। तो ये जो है शिबाता काचुई, इसे सबसे टफेस्ट बॉस माना जाते हैं नियो टू का। मैंने पहले ही इसके कुछ दूसरे प्लेयर्स के जो गेम प्ले देख रखे, एंड लाइटनिंग थोड़ा बहुत यूजफुल है इसके अगेंस्ट। तो आप लाइटनिंग टैलिस्मैन बना के रख सकते हो, बाकी अदर देन दैट बाकी भगवान के भरोसे, क्योंकि ये काफ़ी टफ है बॉस फाइट। मैं थोड़े से बना लेता हूँ, जैसे वीकनेस मुझे ये उतना पसंद नहीं आया है, जब तक मैं यूज़ करूँगा वो मुझे मार देगा। काफ़ी स्लो है वीकनेस।
बैरियर टैलिस्मैन, चार वेरियस टैलिस्मैन ठीक है, एंड तीन लाइटनिंग टैलिस्मैन, चार बैरियर, ठीक है सही है। एंड बाद में ये भी हमने रख लिया मैजिक वाला, बाई चांस काम आ गया तो। ये कम करके एक लेविटेशन ले लेते हैं, ये सही रहेगा। ओके बढ़िया, तो कुछ चीज़ें बदलनी है, शॉर्टकट्स जैसे कि लाइटनिंग टैलिस्मैन इधर डालना है, लेविटेशन स्क्रॉल किधर डाल दे, इधर डाल देते हैं। या नाइस, लेट्स गो। अच्छा हमारे साथ जो एनपीसी है मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा कुछ मदद कर पाएगा, क्योंकि आप बॉस फाइट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे है। क्योंकि ये बेसिकली ये बॉस बहुत बड़ा है, बड़े होने के अलावा काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी है, साइज़ में बड़ा है, काफ़ी तेज़ है। एंड जो रूम हम जिस रूम में इसे लड़ने वाले हैं वो रूम काफ़ी ज़्यादा छोटा है, सो या थोड़ा सा टफ टाइप को। एंड ये काफ़ी जगहों पे आग लगा देता है, तो आग लगाने से ये होता है कि हमें पैसिव डैमेज फायर का भी होते रहता है। तो अंदर जाने से पहले चीज़ें थोड़ी सी लगा लेते हैं। Let's go. Shibata Katsui, finally. ये बॉस फाइट के लिए तो एक्साइटेड हूँ मैं काफी। अच्छा तो शिबाता कात्सुई को हम जानते हैं, पहले आपने स्टार्टिंग्स के एपिसोड देखे होंगे तो उसमें था वो जनरल था नोबुनागा का, एंड उसके साथ हमने कुछ साइड मिशंस भी किए, बट अब वो एक योकाई में बदल चुका है पता नहीं कैसे। पिग स्पिरिट, पिग नहीं, वाइल्ड पिग। कटसीन नहीं था भाई, ओ भाई ग्रैपल पहले से, ये देखो बच गए, ओ भाई शिट शिट शिट, ये ऐसे ही मार देगा हमें। ये देखो फायर डैमेज, ओ शिट, ये अपने डार्क रियल में जा चुके हैं, हम थोड़ा सा पैसिव खेलेंगे। एक्चुअली वो खाने की जरूरत नहीं थी हमें, शिट। डार्क
टर्न जा रहा हूँ डी वन मोड। ओ नहीं जा मार दे ब्लेड ब्लेड खत्म कर उसको, उसकी थोड़ी सी लाइफ बची है। ओए ओ इतना क्लोज आ गया था ये फाइट, आपने मुझे पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, लेकिन जस्ट अभी जो डार्क रेंज से बाहर आया था ना, मैं बस एक हिट का बचा था, थोड़ी सी लाइफ बची थी भाई, कैसे तो अभी दूर भाग के हील किया है मैंने। काफ़ी टफ फाइट है, मैं देख सकता हूँ कि ये टफ कैसे हो सकता है, और मुझे अभी तक जितने भी बॉस है सबसे ज़्यादा मतलब एक सिंगल फाइट सीक्वेंस में पकड़े तो सबसे ज़्यादा टाइम लगा, बाकी लोग काफ़ी जल्दी मर जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट था पता नहीं, और काफ़ी ज़्यादा केओटिक था क्योंकि ये रूम बहुत छोटा है ना, तो आग लग रही है और काफ़ी मतलब समझ लो काशा की जो बॉस फाइट है ना वो बॉस फाइट, बस उसमें जो बॉस है उसको बफ कर दिया, काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं एंड उसको कम डैमेज हो रहा है, समझ लो वैसे ही कुछ। हाँ मैंने अपना लाइटनिंग यूज़ करने ही भूल गया, बस स्टार्टिंग में लगाया था मैंने एक बार। वो होता है ना कि बॉस फाइट के बीच में कुछ ध्यान नहीं रहता, ये देखो तीनों बेरियर टैलिस्मैन बचे हैं, दो लाइटनिंग टैलिस्मैन बचे, जो बस स्टार्टिंग में यूज़ किया था ना वही यूज़ किया था, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं किया, सब कुछ बचा हुआ है। सो या चलो कटसीन देखते हैं क्या हो रहा है, उसके बाद एपिसोड रैप अप करते हैं ये वाला। उसके पीछे इतने सारे तलवार क्यों लगे हुए हैं? अच्छा इसकी वाइफ ओइची है जो लॉर्ड नोबुनागा की वाइफ थी, वाइफ नहीं सिस्टर थी, लॉर्ड नोबुनागा की सिस्टर थी, उसने इसे मैरी कर लिया लॉर्ड नोबुनागा के बनने के बाद, और अब एक नया गार्डियन स्पिरिट मिला। बट ऑल माई प्राइड वॉज लॉस्ट, ये तोइचिरो तो डस्ट बाय दैट मैन, तोइचिरो विलन बन चुका एक तरीके से। डिटरमाइंड टू सेव माय वाइफ, अच्छा तो इसने स्पिरिट स्टोन यूज करके खुद को योकाई में बदल लिया ताकि ये अपने वाइफ को बचा सके जब इन पे हमला हुआ, एंड डी ए बन गया डी वन। The breath leaves my body. Let's go with them. Okay. इसका बाप मर गया, भाई मर गया, इसका एक्स हस्बैंड मर गया, अब इसका जो प्रेजेंट हस्बैंड है वो भी मर गया, सारी मर गई इसके फैमिली की, अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी थी काफी। उसने सेपुकु कर लिया, तो ओडा क्लैन का कोई बचा नहीं है आई थिंक, मतलब एक्चुअल उनके ब्लड लाइन का जो नोबुनागा का क्लैन था वो ओडा क्लैन था, जो मतलब जापान को यूनिफाई करना चाहता था एंड मतलब उसका ट्रू किंग टाइप का बनना चाहता था, तो अब ओडा क्लैन पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इचिरो मेन बचा है जो कि जिसको सारे स्प्रिट स्टोन चाहिए, डब्ल्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अकेची जो था जो नोबुनागा जनरल था जिसने बिट्रे किया था, बट उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, उसका भी जापान को यूनिफाई करने का इंटेंशन था, तो उसने हमें इधर आने को बोला है एंड वो बोल रहा था कि हमें किसी और किसी से मिलना है यहाँ पे जो कि हमारी हेल्प कर सकता है तोइचिरो से लड़ने में, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक आर्मी से तो नहीं लड़ सकते, आर्मी से लड़ने के लिए हमें एक आर्मी चाहिए होगी, तो देखते हैं अभी स्टोरी किधर आगे बढ़ती है।
What happened to Katsui and Uichi is most unfortunate, but simply mourning them won't get us any closer to striking back at Toichiro. The most sound strategy would be withdrawing from here for now and trying to link up with Tokugawa forces. And fear not, I will accompany you. What we really need to do is forge ahead. Looking back won't get us anywhere. Yeah, wait. वो तो सही बोल रहा है ये. अच्छा कुछ मिशंस खुले हैं. अदर देन दैट जो हमारा नेक्स्ट मिशन होने वाला है द टू फेसेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी. ओके एंड एक साइड मिशन खुल चुका है. तो एपिसोड रैप अप करते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में स्टोरी आगे बढ़ाते हैं. हम प्रोबेबली वापस वो बंदे का नाम क्या था जो हमें पिछले एपिसोड की कटसीन के स्टार्टिंग में दिखा था. हानोबी या ऐसा कुछ करके था जो निंजा था जो हम पे अटैक करता है फिर बोलता है सॉरी सॉरी मैंने पहचाना नहीं कि तुम या हिडी हो वैसे करके. आई थिंक उसी ने हमें बोला था कि जाके इन दोनों की मदद करो कैसल पे ओइची एंड शिबुया कात्सुई की. तो आई थिंक हम वापस उसके पास जाने वाले हैं एंड अभी प्रोबेबली हम प्लान बनाने वाले हैं इसको हराने के लिए तो इचिरो से लड़ने के लिए. तो फिर एक सेकेंड एक बार स्टोरी लाइन देख लेते हैं. यहाँ से हमने स्टार्ट किया था एंड अभी हम 1583 पे. तो डॉन जो है जहाँ पे नोबुनागा पे हमला हुआ एंड पूरा नोबुनागा मरा एंड जो भी वो पूरी सीनरी थी बिट्रेल का वो 78 से 82 एंड अभी तोइचिरो वाला 83 से चालू हुआ है ट्विलाइट जो करके. ओके तो ये एरिया में दो और मिशन बचे हैं. तो ट्यून्ड इन रही है. नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं. आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.